खाली खाली कितने दिख रहा है। कब तो कम डालने लगे इस पर। तो हेलो सो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं बहुत लेट सो उठा हूँ, जो कि गाइस टाइम हो रहा है अभी 12 बजे, 12:30 बज रहे हैं एंड अभी सो उठा था मैं। और अभी नाश्ता सब कुछ भी नहीं करा है, बस अब चल रहे हैं नहाने के लिए एंड नहा के अभी टाइम क्या हो गया। तो मम्मी ने अभी उठाया है, तो अभी दिखाता हूँ आपको। धूप भी तेज हो रही है, उठ तो मैम सो गए बेसर, बट धूप भी तो बहुत कैडी हो रही है बाहर, जो कि और बाहर क्राउड शोर भी इतना हो रहा है, बच्चे झूले वूले झूले हैं ना। तो फाइनली गाइस अपना नहाकर तो आ चुके हैं और अपना अब चलता है चाय बनाने। मम्मी चाय बनाएंगी ना, तो मेरा मन कर रहा है चाय बनाने का, पर पी नहीं था है, बट मुझे मैं लेट हो गया था आज सुबह, तो उसके बाद चाय भी नहीं मिली सो उठ के बाद। तो अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। और टाइम देखो कितना हो रहा है गाइस, 12 बजने, जो कि 2 बजने एंड अब चाय पी रहा हूँ मैं सुबह से। आज सुबह से ना नाश्ता ना कुछ अपना, बस सोना सोना हो लगा बड़ा सा, कोई नहीं अपना चाय वाय पीते हैं एंड बना पहले तो बना। तो गाइस आज कुकिंग हम करेंगे, क्योंकि आज बनाना नाश्ते में कुछ बना रहा हूँ ना चाय के संग, बढ़िया था टेस्टी था, तो सोचा कि चलो बनाते अपना फटाफट से। मम्मी तो बैठी हैं और चाय तो अपनी बन गई है जल्दी, बट मैं सोचा चलो कुछ बनाएंगे, तो अभी बनाते हैं और आपको देखें क्या बना रहा हूँ। गाइस पहले तेल गर्म होने दो, फिर दिखाता आपको क्या बनाना है फटाफट से। और ये बनाया है देखो कुकिंग करते हुए एंड इतना टाइम लग गया, 2:30 बजे जाएगी गाइस, जो भी जब टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, तो उसे खाते हैं फटाफट से क्रिस्पी क्रिस्पी, नमक वमक डाल के आलू के ये और चाय। तो नाश्ता आज यही करते हैं अभी, फिर बंदा खाना खाना वाना खाएंगे इतने, फिर चलेंगे अपना, देखते हैं कहीं घूमने जाना हो तो, या तो कहीं आए नहीं जाना, बट चाय वाय पीते हैं पहले फटाफट से, तो फिर नहीं पीता है। तो गाइस अपना चलता है मंदिर, क्योंकि आज लास्ट नवरात्रि का नवमी है ना आज, तो इसलिए अपना फटाफट से चलते हैं मंदिर, क्योंकि टाइम जो रहा ना जाने का, दिन भी सही टाइम पर आया, मतलब भीड़ रहेगी मंदिर में, तो अपना चलते फटाफट से। मम्मी तो रेडी हो चुकी है और मैं भी थोड़ा रेडी वेडी हो जाता हूँ जाके, तो चलो चलते हैं मम्मी क्या करेंगे। तो गाइस बंदरों ने तो ऊपर आके तहलका सा मचा रखा है, यहाँ सारे सामान वामान फैला रखा था, यहाँ सीट वेट सब बंद कर रखी थी एंड अपना आप चलते हैं नीचे जल्दी से, मंदिर जाने टाइम भी हो रहा है ना और मम्मी भी रेडी हो रही है, तो फटाफट से चलते हैं अपना, वरना तो लेट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपना, क्योंकि टाइम भी हो रहा 5:30 एंड अभी मैंने वॉच वॉच भी नहीं डाली घर हाथों में, हाथ में से खाली खाली कितना दिख रहा है। कब तो कम डालने लगे गाइस, पता नहीं भूल जाता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में भी वॉच डालना, बट कोई नहीं पहनते जल्दी से जल्दी अपना तैयार, मैं भी अपना। तो गाइस अपना चलते फटाफट से, क्योंकि टाइम हो रहा ना गाइस, जो भी हो रहा है 5:28 हो रहे हैं और अभी जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आधे घंटे का सफर है ना सदर जाना है, तो सदर में वो मंदिर, तो चलो चलते फटाफट से एंड फिर मिलता आपसे मंदिर में चल गया। तो गाइस तो गाइस मंदिर जाने से पहले अपना ATM से कैश निकालना है, जो भी निकालते हैं, क्योंकि कैश है नहीं ना जरा से मेरे पास, तो फिर मम्मी कहेंगी कैश नहीं है, तो चलो चलते निकालते हैं फटाफट से, टाइम हो रहा है। मंदिर तो आ चुके हैं और मंदिर और कितनी भीड़, कितनी भीड़ है अभी, चलने में दिक्कत हो रही है एंड इतनी भीड़ दिख रहे हैं, रानी माता रानी के दर्शन कैसे होंगे, बट अपना हम चलते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना और फिर लेट हो जाएंगे, तो आरती का समय हो जाएगा, आरती में फिर और भीड़ हो जाएगी, तो भीड़ में इतने धक्का मुक्की हो रहेगा, धक्का देगा तो लोग आगे गिर रहे हैं एंड मेरे पीछे पब्लिक भी आगे गिर रही है ना, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम। तो फाइनली गाइस मंदिर में तो भीड़ होती बहुत एंड अभी मैं बाहर आ गया मंदिर से और रोड भी बाहर जाम बहुत लग रहा है एंड अपना बाइक के पास आ गए, तो मम्मी अभी बाहर खड़ी है ना, तो पूजा वूजा तो कर लिया जैसे भी है एंड अपना आप चलते हैं फटाफट से बाइक लेकर घर, गाइस बहुत भीड़ हो रही है ऑलरेडी, इतना जाम और ट्रैफिक लग रहा है एंड बाइक में। तो देखो गाइस मैंने बाइक भी कहाँ किसी गली में खड़ी कर गया हूँ, छोटी सी गली है, क्योंकि बाइक पार्किंग की जगह नहीं थी वहाँ पर, इतनी भीड़ हो रही है बहुत ऑलरेडी इतना एंड फटाफट से चलते हैं अपना घर पे, क्योंकि गाइस टाइम जो है ना। तो फाइनली गाइस अपना घर पर तो आ चुके हैं और घर पर आके पूजा वूजा भी कर ली घर पे भी, तो टाइम भी होता ना अंधेरा हो गया, क्योंकि गाइस टाइम 7 बजने वाले हैं और इतना लेट हो गया, क्योंकि भीड़ इतनी होती गाइस, बहुत ही भीड़, इतने बाउंस लगा रखे थे गाइस मंदिर में, पता नहीं क्योंकि भीड़ इतनी थी ना आज लास्ट नवरात्र है जिससे कि, तो पब्लिक की इतनी भीड़ थी जिससे कि मंदिर को भीड़ कम करने के लिए तो बाउंसर तो लगाने पड़ेंगे, धक्का इतना दे रहा था गाइस, यहाँ धक्का दो तो मन वहाँ जाके किधर बंदा, इतनी भीड़ इतनी भीड़ ना, चलो कोई नहीं अपने जैसे भी दर्शन में, बट मैंने माता रानी का आराम से दर्शन करें
और बस अपनी प्रेयर है जो प्रार्थना होगी वो पूरी हो जाए अपना। एंड अगर पूजा वूजा भी कर लिया घर पर आके भी, तो अपना आप चलता है चाय बनाने के लिए, क्योंकि टाइम जो है चाय पीने का भी, तो अपना चाय बनाता है। तो गाइस तुम आप भी कहते हो क्या घर के चाय वाय खाने वाने लोग बनाता है, तो गाइस कुछ तो ऐसा नई चीज़ें चाहिए ना आपको भी यूट्यूब पे। तो गाइस अपना चाय ले लिया शाम की, जो भी चाय होती है दुकान पर अलग होती है, मगर यहाँ के घर की अपनी स्पेशल चाय होती है। तो चाय वाय ले लिया, मम्मी भी चाय वाय पी रही है, एंड फिर मिलते चाय पीने के बाद। तो अब खाना वाना बनना इतने, अभी मम्मी टीवी देख रही है, मैं इतनी नीचे आ गई आवाज़ होती ना उसके। फाइनली गाइस अपना खाना वाना तो हो चुका है, और पापा भी आगे जल्दी सो गए हैं, क्योंकि पापा जल्दी सो जाते हैं ना, गाड़ी पे जाना होता था सुबह जल्दी उठ के, इसकी वजह से। एंड अपना आप चलते हैं फोटो वीडियो एड करने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है ना गाइस वीडियो एड करने का भी, और कुछ अब तो है भी नहीं, तो चलते हैं फटाफट से वीडियो एड करने के लिए, और फिर मिलता है आपसे इतने वीडियो एड करने के बाद। तो भाई चल चलते फटाफट। तो फाइनली गाइस अपना वीडियो तो एडिट हो चुकी है, एंड गाइस पता नहीं मेरे ये हैंड में ना बहुत तेज़ पेन हो रहा है, क्योंकि पता नहीं ना ये सीधा हो रहा है ना कुछ लेफ्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये ऐसे नहीं हो रहा है, सीधा तो हो रहा है। एंड कर रहा हूँ तो देखो कुछ हड्डी सी दिख रही होगी आपको, ये जो सूजे सूजे दिख रहा है ना हाथ के यहाँ पे देखो। एंड ये दूसरा है हैंड है जिससे मैंने कैमरा मोबाइल का कैमरा पकड़ रखा है, एंड उससे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, है ना। बट यहाँ पे कुछ सूजन सी दिख रही होगी आपको, ये देखो हाथ के पास से सूजन दिख रही है ना, तो उससे ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या कहूँ उसको, बस दर्द हो रहा है इतना ना, तो हाई एंड ऐसा हो रहा है, ऐसे करने पर बहुत दर्द हो रहा है गाइस, मुड़ भी नहीं रहा ढंग से, एंड ऐसे करने पे भी नहीं, और हाई एंड सीधा सीधा काम कर रहा है। जो भी है कोई नहीं, अपना कल को जाके तो शॉप पे जाके अपना मेडिसिन खा लेंगे, एंड देखेंगे सही हुआ तो सही है, वरना तो फिर अपना डॉक्टर को दिखाएंगे अपना आराम से, क्योंकि गाइस बहुत इसमें पेन हो रहा है ना, फिर इससे हाथ से काम नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। और अपना वीडियो भी पता नहीं कैमरा मोबाइल का बड़ी मुश्किल में पकड़ रहा हूँ, जैसे कि हाथ ऐसा सूजा पड़ा ना, तो उसकी वजह से कई दिन से कैमरा भी नहीं पकड़ रहा था, एंड इसलिए थोड़े ब्लॉग भी नहीं डले थे मेरे। बट कोई नहीं गाइस अपना सही करके ऐसे थोड़ा बहुत हल्का आराम से, एंड अपना वीडियो भी डालेंगे रोज़ की रोज़। तो अब चलते सोने के लिए गाइस, क्योंकि टाइम भी हो रहा है 1 बज रहा है, और नींद भी आ रही है, तो सब सो भी गए हैं एंड जैसा भी है, तो हम भी चलते सोने के लिए, एंड सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि कल है ना दशहरा, जिसके कारण तो कल पूजा वूजा भी होगी, तो कल को रूम भी अपना क्लीन करना है जिससे कि मम्मी पूजा वूजा करें। तो अपना चलता है सोने के लिए, एंड आई होप लोग आपको गाइस पसंद आएगा, तो वीडियो ज़्यादा शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। ला तो 100 रुपये निकाल, मैंने दे रखे ना उसे।